हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्पोर्ट्स 07। आईसीसी की तरफ से अनाउंस कर दिया गया है अवार्ड्स ऑफ द डिकेड का लिस्ट। दोस्तों, खुशी की बात यह है कि विराट कोहली को मिला है सबसे बड़ा अवार्ड। आईसीसी मेल्स क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का सम्मान विराट कोहली को मिला है। दोस्तों, 3 फॉर्मेट मिला के 10 ईयर्स में 2010 टू 2020 तक विराट कोहली ने टेस्ट, ओडीआई एंड टी20आई तीनों फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं, सबसे ज़्यादा 100 भी मारे हैं विराट कोहली ने। इसी के चलते विराट कोहली को मिला है ये सम्मान, ये अवार्ड। उसी के साथ विराट कोहली को आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड भी मिला है। दोस्तों, विराट कोहली ने 10 इयर्स में ओडीआई में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं, सबसे ज़्यादा 100 विराट कोहली ने मारे हैं। इसी के चलते विराट कोहली को ये सम्मान मिला है और विराट कोहली को ही मिलना चाहिए था ये सम्मान। स्टीव स्मिथ को मिला है आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का अवार्ड। दोस्तों, स्टीव स्मिथ ने टेस्ट क्रिकेट में हमेशा नंबर 1 रैंकिंग पे रहते हैं, इसी के चलते स्टीव स्मिथ को मिले हैं ये अवार्ड। राशिद खान को मिला है आईसीसी मेंस टी20आई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का अवार्ड। दोस्तों, अफगानिस्तान की तरफ से राशिद खान खेलते हैं और सबसे फास्टेस्ट 50 विकेट लेने वाले प्लेयर राशिद खान है और इकोनॉमिकल भी रहते हैं हमेशा। इसी के चलते राशिद खान को मिला है ये अवार्ड। आईसीसी ने जो तीनों फॉर्मेट की टीम अनाउंस किया है उसमें से पहले टेस्ट टीमों के ऊपर बात कर लेते हैं। टेस्ट टीमों की ओपनर है एलिस्टर कुक, उनके साथ है डेविड वार्नर। थर्ड पोजीशन पे है केन विलियमसन, फोर्थ पोजीशन पे है विराट कोहली, फिफ्थ पोजीशन पे है स्टीव स्मिथ, सिक्स्थ पोजीशन पे है कुमार संगकारा, विकेट कीपर बैट्समैन है इसी टीम का, और सेवन्थ पोजीशन पे है बेन स्टोक्स, एट्थ पोजीशन पे है रविचंद्रन अश्विन, नाइन्थ पोजीशन पे है डेल स्टेन, टेंथ पोजीशन पे है स्टुअर्ट ब्रॉड एंड इलेवेंथ पोजीशन पे है जेम्स एंडरसन। इस टीम का कप्तान बनाया है विराट कोहली को। ये है टेस्ट टीम आईसीसी का। चलिए ओडीआई टीम के ऊपर बात कर लेते हैं। ओडीआई टीम की ओपनर है इंडिया का ही रोहित शर्मा, उनके साथ है डेविड वार्नर। थर्ड पोजीशन पे है विराट कोहली, फोर्थ पोजीशन पे है एवी डेविलियर्स, फिफ्थ पोजीशन पे है शकीबुल हसन, सिक्स पोजीशन पे है महेंद्र सिंह धोनी, इसी टीम का कैप्टन बनाया है और इसी टीम का विकेट कीपर भी है। सेवन्थ पोजीशन पे है बेन स्टोक्स, एट्थ पोजीशन पे है मिचेल स्टार्क, नाइन्थ पोजीशन पे है ट्रेंट बोल्ट, टेंथ पोजीशन पे है लसिथ मलिंगा और इलेवेंथ पोजीशन पे है इमरान ताहिर। ये है आईसीसी का ओडीआई टीम, मेंस ओडीआई टीम। चलिए आईसीसी का टी20आई टीम के ऊपर बात कर लेते हैं। टी20आई टीम की ओपनर है क्रिस गेल और उनके साथ है रोहित शर्मा। थर्ड पोजीशन पे है एरन फिंच, फोर्थ पोजीशन पे है विराट कोहली, फिफ्थ पोजीशन पे है एवी डिविलियर्स, सिक्स्थ पोजीशन पे है महेंद्र सिंह धोनी, विकेट कीपर है, टीम की कैप्टन भी है। सेवन्थ पोजीशन पे है मैक्सवेल, एट्थ पोजीशन पे है कैरन पोलार्ड, नाइन्थ पोजीशन पे है राशिद खान, टेंथ पोजीशन पे है लसिथ मलिंगा या इलेवेंथ पोजीशन पे है जसप्रीत बुमराह। ये है आईसीसी का टी20आई टीम। मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ क्योंकि सिर्फ 3 बॉलर है टी20आई टीम के अंदर। दोस्तों, आप सबको ये टीम कैसा लगा, अच्छा लगी या फिर बुरा लगा, या एक दो चेंज किया होता तो और भी अच्छा लगा होता, तो आप सब कमेंट करके जरूर जानिएगा मुझे। फ्रेंड्स, आईसीसी का ये तीनों फॉर्मेट का टीम आप सबको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर जानिएगा। फैमिली, ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे आप सब नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर फैमिली।